Hello and welcome back to my channel. Today I am here to discuss 7 more idioms. In my first video about idioms, I have explained some 7 idioms, and I hope that they are very much clear to you and you are using them in your daily lives. And now today I will be describing some 7 more idioms that you can use in your daily lives, and you can improve your English. And can show off कि मुझे इतना कुछ आता है. So let's start. Our first idiom of the day is to catch red-handed. किसी को अगर हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, मतलब हम हिंदी में भी बोलते हैं कि मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है. तो अगर हमने किसी को कुछ करते हुए जो है वो पकड़ लिया है, कुछ बुरा काम करते हुए, तो हम उस टाइम पे जो है ये वाला idiom जो है हम यूज कर सकते हैं, टू कैच रेड हैंडेड. पुलिस caught him red handed. Caught the thief red-handed, ऐसे बोल सकते हैं. I caught Rohan red-handed. ये सारी जो है ऐसे हम इस जो idiom को है अपनी life में use कर सकते हैं. Now moving on to our second idiom. जो second idiom है वो है a white elephant. Now what is white elephant? आपको सब पता है कि जैसे हम normal जो color के elephants हैं वो मिल जाते हैं हमें, but white elephant जो है वो बहुत rare है और बहुत expensive भी होता है. हमें बहुत बहुत costly होता है white expensive, oh sorry white elephant. और फिर उसकी maintenance वो भी बहुत ज़्यादा है कि हमें white को नहलाना पड़ेगा, सफाई रखनी पड़ेगी, ये सब. और जो white elephants है वो uncommon भी है और मतलब बहुत वहाँ थाईलैंड में ही मिलते हैं सिर्फ जो हैं white elephants. सो अगर हमें किसी चीज़ को बताना है कि भाई हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अनअफोर्डेबल है, तो हम जो ये idiom है अ वाइट एलिफेंट वो यूज़ करेंगे. सपोज अब मैं मर्सिडीज़ की बात कर रही हूँ, मर्सिडीज़ आई कांट अफोर्ड, सो आई विल से मर्सिडीज़ इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी. अगर मैं उसको ख़रीद भी लेती हूँ देन हाउ विल आई मेंटेन दैट, तो इट्स आउट ऑफ रीच यू कैन से. तो इस idiom का जो मतलब है वो ये है, अन अफोर्डेबल थिंग के लिए हम अ वाइट एलिफेंट यूज करेंगे. नाउ थर्ड idiom इज अ रेड लेटर डे, यू कैन से अ रेड लेटर डे. नाउ व्हाट इज रेड लेटर डे? अब तो आप लोग सोचोगे ये क्या है. तो वैसे इस idiom का मतलब जो है वो ये होता है कि अ स्पेशल डे. अब स्पेशल कैसे, आपने कभी कैलेंडर में ध्यान से देखा हो तो हमारी जो स्पेशल डेज होते हैं या हमारे संडेज होते हैं उनको जो है वो डिफरेंट कलर में लिखा जाता है, उसको रेड लेटर में लिखा जाता है. और या फिर जैसे 2 अक्टूबर या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रेड लेटर में लिखा जाता है. तो वहीं से जो है वो idiom आया है. और अगर हमें किसी स्पेशल चीज के बारे में बताना है तो वी कैन यूज दिस idiom अ रेड लेटर डे. तो एज हम जैसे किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि ओ अच्छा तेरी एंगेजमेंट है आज, तो इट्स योर स्पेशल डे, ऐसे करके बोलेंगे. तो हम लोग उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि ओ इट्स योर रेड लेटर डे, ओ टुडे इज योर एंगेजमेंट एंड इट्स योर रेड लेटर डे. ऐसे कुछ स्पेशल डे के लिए जो है हम इस idiom का यूज करते हैं. नाउ द थर्ड वन इज एन एप्पल पाई ऑर्डर, एनी सॉरी सिर्फ एप्पल पाई ऑर्डर. नाउ वॉट इज पाए? अगर हम कुछ पाए बना रहे हैं, पाए के अंदर क्या होगा, अगर हम उसके एप्पल पीसेस एप्पल पाई बना रहे हैं तो उसमें एप्पल जो है वो बहुत ही ऑर्डर के साथ रखेंगे. ऐसे मैसी नहीं बनाएंगे ना उसको सुंदर दिखने के लिए, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में लिखें रखेंगे. तो वैसे ही एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर में चीज़ों को रखना. जैसे अगर हमें कहना है कि उसको जो है परफेक्ट चीज़ें या ऑर्डर में रखने चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सो वी कैन से कि शी लव्स कीपिंग थिंग्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर. आई लव कीपिंग थिंग्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, ऐसे बोलेंगे. तो चीज़ों को ऑर्डर में जो इंसान रखता है उस परफेक्ट चीज़ें जिसको पसंद है उस चीज़ के लिए हम लोग जो है ये वाला idiom आराम से यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं हमारे फिफ्थ idiom के लिए. एंड द फिफ्थ idiom is a rainy day. What is a rainy day? आप सबको पता है जब बारिश होती है तो वो दिन कैसा होता है. You can't freely move, means आपको घर में ही रहना पड़ेगा. अगर आप बाहर जा रहे हो तो सब जगह पानी भरा होगा एंड बहुत डिफिकल्टी से आपको जो है वो रोड क्रॉस करनी पड़ेगी. बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है किस दिन, एक रेनी डे वाले दिन. सो जो ये idiom है उसका मतलब भी यही है, a difficult day. If someone is saying कि my today's day my day was very difficult, so he can also say, he can use that idiom
कि टुडे वॉज अ रेनी डे फॉर मी. मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया था, सो माई डे वॉज अ रेनी डे, ऐसे बोल सकते हैं. सो दिस वॉज द फिफ्थ idiom. एंड नाउ सिक्स्थ idiom इज गिफ्ट ऑफ गैप. नाउ what इज गैप? गिफ्ट ऑफ गैप, गैप इज स्पीकिंग स्किल्स यू कैन से, और कम्युनिकेशन स्किल्स. गिफ्ट ऑफ गैप मतलब किसी के पास जो है उसके पास स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग जो है इस वाले idiom का जो है वो यूज कर सकते हैं. नाउ अगर हमें ऐसे बोले कि इन प्रेजेंट वर्ल्ड या इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड गिफ्ट ऑफ गैप इज वेरी मच रिक्वायर्ड या इज वेरी असेंशियल और इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द idiom गिफ्ट ऑफ गैप. गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है जिसको, जिसके पास कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. सो ऐसे या जो है कहेंगे कि माई फ्रेंड इज हैविंग अ गिफ्ट ऑफ गैप, वो बहुत अच्छे से बातें करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है अपने आप को. सो दिस इज हाउ द idiom जो है वो यूज की जाती है गिफ्ट ऑफ गैप की. नाउ द लास्ट, द सेकेंड लास्ट वन, नाउ द लास्ट वन, लास्ट idiom फॉर द डे इज अ beggar's description. अब अगर कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छा नहीं है, बकवास सा था, आलतू फालतू का था, या जिसकी कोई सिर पैर या कोई कुछ मतलब नॉनसेंस कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम जो है अ beggar's description का idiom का यूज़ करेंगे. क्योंकि अगर हम एक beggar को डिस्क्राइब करें तो उसको, उसका कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, कुछ नॉनसेंसिकल सा डिस्क्रिप्शन होगा. या फिर हमने देखा हो कि जब beggar जो है वो हमसे मांगता है कुछ मांगने के लिए, तो वो बोलता है कि आपको नौकरी मिले या आपको जो भी मिले सब कुछ मिले, आपको ये आपकी ये ड्रीम्स पुश, मतलब वही सब चीज़ें जो है वो सबको ही बोल रहा होता है, चाहे वो 80 साल का इंसान उसको मिलो, चाहे वो 15 साल के बच्चे से भीख मांग रहा है. तो मतलब नॉनसेंसिकल चीज़ें जो है वो एक beggar बोल रहा होता है. सो सेम जो beggar डिस्क्रिप्शन जो है उस idiom का मतलब है नॉनसेंसिकल डिस्क्रिप्शन, कि दिस डिस्क्रिप्शन वॉट ही सेड वॉज अ beggar's डिस्क्रिप्शन, मतलब वो नॉनसेंस थी वो चीज़ जो भी उसने बोली. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस idiom अ beggar's डिस्क्रिप्शन. सो दीज वर द सेवन न्यू idioms. आई होप दे आर वेरी मच क्लियर टू यू. आई हैव एक्सप्लेन देम इन वेरी इजिएस्ट फॉर्म, इन अ इजिएस्ट वे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज. Thank you. Have a nice day.